हेलो दोस्तों, अगर आप दुकानदार हैं या ग्राहक हैं तो आपको इस तरह के जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स के दुकान पर जाते हैं तो आप एक दो पेन का अगर दाम निकालना हो तो निकाल लेते हैं, लेकिन आपको इस तरह से सवाल दे दिया जाए कि 70 कलम का मूल्य 280 रुपया है तो 15 कलम का दाम बताए तो आप नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कलम का दाम कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ दिया है 70 कलम का मूल्य 280 रुपया है। देखो, यहाँ 70 कलम का मूल्य 280 रुपया है। तो 70 कलम का मूल्य 280 रुपया है तो पहले हम एक कलम का निकालेंगे। एक कलम का मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, 280 में हम 70 का भाग लगाएंगे। यहाँ देखो, जीरो से जीरो कट गया, 7 चौके कितने होते हैं, 28, यानी एक कलम का जो मूल्य मेरा निकला वह 4 रुपया निकला। तो एक कलम का मूल्य 4 रुपया निकल गया, तो हमको निकालना कितना है, 15 कलम का निकालना है। 15 कलम का दाम कितना होगा, यहाँ लिख लेंगे हम 15 कलम का मूल्य बोलो या दाम बोलो। तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा, तो एक कलम का 4 रुपया, तो 15 कलम का कितना होगा, तो 4 में हम क्या करेंगे, हम 15 से गुना कर देंगे। तो 15 से गुना करेंगे, 15 चौके कितने होता है, 60 रुपया, यानी जो मेरा आंसर आएगा 15 कलम का जो मूल्य आएगा वह कितना आएगा, 60 रुपया आएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि 120 रुपया में 15 कलम मिलता है तो 40 रुपया में कितना कलम मिलेगा। देखिए, यहाँ कह रहा है कि 120 रुपया में 120 रुपया में 15 कलम, 120 रुपया में कितना मिल रहा है, 15 कलम मिल रहा है। 120 रुपया में 15 कलम, तो यहाँ लिखेंगे एक रुपया में कितना मिलेगा, तो 15/120 कलम। देखो, 15 रुपया में कितना कलम मिल रहा है, सॉरी, 120 रुपया में 120 रुपया में 15 कलम मिल रहा है, तो एक रुपया में कितना मिलेगा, तो 15/120 कलम। तो यहाँ 40 रुपया में कह रहा है, 40 रुपया में, तो 40, एक रुपया में जब इतना मिलेगा तो 40 रुपया में कितना, तो 40 से गुना कर देंगे, तो 15/ हो जाएगा 120 और गुने हो जाएगा 40। अब 40 दिया कितना होता है, 120 होता है, और यह 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, यानी 40 रुपया में मेरा कितना कलम होगा, 5 कलम। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो, 120 रुपया में 15 कलम, तो एक रुपया में पहले निकाल लेंगे, तो 15/ हो जाएगा 120 कलम। तो 40 रुपया में कह रहा है, तो एक रुपया में जब इतना कलम मिल रहा है तो 40 रुपया में कितना मिलेगा, तो 40 से गुना कर देंगे, 40 दिया 120, 3 × 5 = 15, यानी 5 कलम। 40 रुपया में हमको मिलेगा 5 कलम। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।